चलिए गुड इवनिंग। आज टेंथ के बारे में बहुत बड़ा कंफ्यूजन दूर करने वाले हैं, क्योंकि टेंथ ट्वेल्थ बोर्ड परीक्षा हो चाहे नॉर्मल लोकल क्लासेस हो, वहाँ पे हम अक्सर स्ट्रक हो जाते हैं कि मैम हमने तो क्वेश्चन बिल्कुल सही करके आ गए, लेकिन वहाँ पता चलता है यहाँ डू नहीं लगाया, यहाँ डिड नहीं लगाया, तो कन्फ्यूज़ कहाँ होते हैं। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है आपका प्रेजेंट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में और सिंपल पास्ट टेंस में। तो उसको हम कैसे करेंगे, देखो विदाउट वेस्टिंग आर टाइम वी हैव टू डू दिस वर्क एंड देन कंप्लीट आर टास्क। ओके, आज के बाद आप कभी भी इस प्रकार की गलती नहीं करेंगे, ये मैं दावा करती हूँ, ठीक है ना। देखेंगे सबसे पहले क्या आता है, चेंज डू एज डायरेक्ट आता, क्वेश्चन ऐसा बन के आता है ना, आप हमेशा देखते होंगे डू एज डायरेक्ट ऐसा लिखा रहता है, और यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा रहता है चेंज इन टू, चेंज इन टू या तो नेगेटिव लिखा होता है या इंट्रोगेटिव लिखा होता है ना, इस प्रकार से लिखा रहता है। तो आपको यही तो समझना है कि यहाँ पे ये क्या लिखा रहता है, और फिर क्या समझ भी जाते हैं, लेकिन जब यहाँ करने होते हैं तो सब गलत करके आते हैं। देखेंगे कैसे, सपोज यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा है मैंने, ही डज हिज वर्क, उसने उसका काम, वो उसका काम करता है, वो उसका काम करता है। तो हमेशा ध्यान में रखना है, मैंने बहुत बार इस चीज को पॉइंट आउट किया है कि ये जो डू है इसकी पहली फॉर्म होती है डू, उसकी दूसरी फॉर्म होती है डिड, उसकी तीसरी फॉर्म होती है डन, और उसके बाद होती है उसकी आईएनजी फॉर्म, उसकी होती है डूइंग, और फिर होती है डज। तो ये ध्यान रखना, ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का काम करता है, क्योंकि डू मतलब होता है करना, क्या होता है डू मीन्स होता है करना। तो जब सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है उसमें वो डू की हेल्पिंग वर्ब नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के लिए लगता है, लेकिन वहीं पे ये डिड लगेगा पास्ट के लिए, ये लगेगा पास्ट टाइम के लिए नेगेटिव बनाने के लिए और इंट्रोगेटिव के लिए। ऐसे यहाँ पर भी ये हेल्पिंग वर्ब के लिए नेगेटिव में लगेगा और इंट्रोगेटिव में लगेगा, क्लियर। मेन वर्ब तो आपकी ऑलरेडी लगनी लगनी है। चलिए एक बार देखते हैं, ही डज, अब चूंकि ही क्या है सिंगुलर, सिंगुलर में हमेशा ध्यान दिया है अपन ने कि एस लगता है या एस लगता है, फिफ्थ फॉर्म लगती है वर्ब की। तो ही डज हिज वर्क, ऐसा सपोज क्वेश्चन आ गया तो आप क्या करते हो, ही डज नॉट करके आ जाते हो, ये बिल्कुल गलत है। ही डज नॉट आपकी यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब के समान काम कर रहा है, लेकिन अगर नॉट की बात तो क्या तो आपको डू नहीं लगाना पड़ेगा, इसकी हेल्पिंग वर्ब डू लगाना पड़ेगा। ही डज नॉट डू हिज वर्क, वो उसका काम नहीं करता, है ना। देखिए एक एग्जांपल देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, दे रीड अ बुक डेली, वो एक बुक डेली पढ़ता है, वो पढ़ते हैं मतलब ज्यादा लोग हैं, दे रीड, तो यहाँ पे ये इसकी मेन वर्ब है, बिल्कुल ये सन, ये भी इसकी मेन वर्ब थी। तो फिर मैम यहाँ पे एस और डी एस क्यों लगा हुआ है, क्योंकि ही और शी क्या होता है सिंगुलर होता है, यहाँ पे ये दे प्लूरल है, तो इसलिए यहाँ पे क्या है एस नहीं लगा, तो इसका नेगेटिव कैसे बनाएंगे। अब चूंकि पहले हमें पहचानना है कि ये भाई कौन सा सेंटेंस है, तो ये दोनों टेंस क्या है आपके सिंपल प्रेजेंट टेंस है। केवल दो ही टेंस ऐसे हैं जिसमें शुरू में अफर्मेटिव बनाते समय बिल्कुल बिल्कुल भी आपके साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती, इसलिए वहाँ पे कंफ्यूजन ज़्यादा होता है, और एग्जामिनर आपका यही दो चीज़ ज़्यादा डाल देता है, उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। तो देखेंगे दे रीड अ बुक डेली, वो रोज पुस्तक पढ़ते हैं, तो दे डू नॉट रीड, क्या आ जाएगा डू नॉट, नहीं पढ़ते, नेगेटिव बनाना है, नेगेटिव बनाने के लिए तो अपने को नॉट लगाना पड़ेगा, तो नॉट अकेले तो नहीं आएगा, तो इसकी हेल्प कर दी डू ने, तो यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब का काम आया। तो फिर इसकी मेन वर्ब कहाँ गई, बिल्कुल दिखाते हैं, आर ई ए डी रीड, दे डू नॉट रीड अ बुक डेली, देखेंगे यहाँ पर जरा, दे डू नॉट रीड अ बुक डेली, वो रोज पुस्तक नहीं पढ़ते, क्लियर। तो फिर यहाँ पे भी तो एक मेन वर्ब चाहिए ना आपको, तो ये डज और ये डू क्यों है ये भी समझाते हैं। मैंने अभी बताया आपको कि डू की जो फिफ्थ फॉर्म होती है उसमें ई एस और एस लगता है, कहीं कहीं ये इसे ऐसा भी पढ़ा जाता है डू ब्रैकेट में एस या ई एस, बात वही है, इसलिए अपने डू में ई एस लगाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये मेन वर्ब का काम करे, लेकिन नेगेटिव बनाने के लिए फिर इसको तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में बदलना पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ पे तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है, लेकिन इसे वर्ब की फर्स्ट
लगा चुके होते हैं तो आपको जो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यहाँ पे पुट अप करना पड़ता है, ठीक है। ही डज नॉट डू हिज वर्क, क्लियर। तो ये आपका करेक्ट होगा, ये इस तरह से तो आपका बिल्कुल भी करेक्ट नहीं होगा क्योंकि डू तो आपको मेंशन करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और देखते हैं तो आपको आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। देखेंगे ही डिड हिज वर्क, उसने उसका काम किया, उसने उसका काम किया। यहाँ पे बिल्कुल नहीं डरना है कि ये डिड क्यों लगा है, ये डिड डू की सेकेंड फॉर्म है जो पास्ट में लगता है। यदि मैं आपको बोलूंगी ही प्लेड यस्टरडे, उसने कल खेला, तो ये सेकेंड फॉर्म ही तो है ना, तो यहाँ पे भी ये सेकेंड फॉर्म है। लेकिन यहाँ पे मैं नेगेटिव करूंगी ही डिड नॉट प्ले यस्टरडे, उसने यस्टरडे नहीं खेला, उसने यस्टरडे नहीं खेला। तो भाई आपको समझ में आएगा ना कि ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है और ये आपकी मेन वर्ब है जो फर्स्ट फॉर्म में आई है। तो यहाँ पे भी तो यही चीजें समझ में आएगी। देखो इसको फिर करेंगे हम, ये पास्ट का वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, वो भी मेन वर्ब है किया, लेकिन यहाँ पे देखेंगे ही डिड नॉट, तो इसके फर्स्ट फॉर्म लगाना पड़ेगा ही डिड नॉट डू हिज वर्क, उसने उसका काम नहीं किया, क्लियर। यहाँ पे ये मेन वर्ब नहीं है, अब ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है, यहाँ पे ये मेन वर्ब का काम कर रही है, जैसे ये कर रही थी, है ना। फिर इंट्रोगेटिव कैसे बनाना, इंट्रोगेटिव के लिए भी अपने पे हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है। यहाँ हम लगा देंगे डज ही डू हिज वर्क, क्या उसमें वो उसका काम करता है, क्या वो उसका काम करता है। ही डिड नॉट डू हिज वर्क, तो अपन ने क्या करना है, डिड ही डू हिज वर्क, क्लियर। डिड और डू हमेशा फर्स्ट और सेकेंड फॉर्म होते हैं, लेकिन हम जब प्रेजेंट के हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगाते हैं तो वहां पे डू हेल्पिंग वर्ब हो जाती है और सेकेंड वाला जो डू होता है। एक और एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दे देती हूँ तो आपको जल्दी समझ में आएगा। यहाँ पे डज है ना, ऐसे यहाँ पे देखो आई डू, मैं एक और एग्जांपल यहाँ पे लिख देती हूँ, मैं यहाँ पर लिखूंगी यदि आई डू माय वर्क, मैं नीचे लिखा हुआ पर मैं यहाँ लिख देती हूँ आई डू माय वर्क माय सेल्फ, मैं अपना काम खुद करती हूँ। तो यहाँ पे ये जो डू है ये मेन वर्ब है, मैं करती हूँ, लेकिन अगर मेरे को नेगेटिव बनाना होता है तो आई डू नॉट वर्क, क्योंकि आई डू नॉट डू माय वर्क डू माय वर्क। अब देखो यहाँ पे ये वर्क है, यहाँ पे मैंने वर्ब का रूप में नहीं लाया, यहीं पे इसको मेन वर्ब के लाया, इसीलिए हम ऐसा लिख रहे हैं। तो आई डू नॉट डू माय वर्क माय सेल्फ, मैं मेरे मन से काम नहीं करती। तो यहाँ पे ये आ गया हेल्पिंग वर्ब और यहाँ पे आ गया आपका मेन वर्ब। यहाँ पे भी तो यही हुआ ना, देखो यहाँ पे भी ये हेल्पिंग वर्ब है और यहाँ पे ये मेन वर्ब है, लेकिन यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब है और यहाँ पे ये मेन वर्ब है, यहाँ पे ये मेन वर्ब है लेकिन यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पे ये मेन वर्ब है, यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पे ये मेन वर्ब है। देखो बिल्कुल ध्यान रखना इस प्रकार का। तो फिर इसका नेगेटिव हो गया, तो फिर इंट्रोगेटिव क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव आएगा डू आई डू माय वर्क माय सेल्फ, क्या मैं मेरा काम मेरे मन से मेरे स्वयं से मैं खुद करती हूँ, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब क्या होता है, यहाँ आई यू ही शी तो हमने ऑलमोस्ट पढ़ चुके होते हैं, स्कूल में खूब ग्रामर भी रटती होते हैं कि आई यू ही से सब्जेक्ट है, बस गाड़ी कहाँ अटक जाती है, जब किसी का नाम आ जाता है ना। लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन आप उठा करके देख लो, आपको बिल्कुल समझ में आएगा आप यहीं पे अटक रहे हो, है ना, क्योंकि मैंने तो सही करके आ गया, मैं मॉर्फ देखा तो गलत हो जाता है। बिल्कुल नहीं करना है, अपने को पहले बिल्कुल कंफर्मेशन कर लेना है कि दोनों तरफ क्या लिखा है, क्लियर। देखो रिया डज हर वर्क एवरीडे, रिया करती है उसका काम हर दिन, क्लियर, हर दिन करती है।
अब ये डज क्यों आया पहले तो इसको क्लियर कर लेते हैं। भाई ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का वा सेंटेंस है, तो ये डज आएगा, इसका मीनिंग यहाँ हुआ करती है। क्या आया? करती है। तो फिर हम मेन वर्ब वर्ब हुआ कि नहीं? बिल्कुल भी नहीं हुआ, ये मेन वर्ब हुई। ये कौन सी वर्ब हुई? ये मेन वर्ब। तो फिर नेगेटिव कैसा होगा? अब चूंकि वो हर दिन करती है, डज लगा तो आपको इसको पहचान जाना है कि भाई ये तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। फिर इसको आप कैसे करोगे? रिया डज नॉट डू हर वर्क एवरी डे। अब यहाँ पे समझ में आएगी, वो उसका काम नहीं करती हर दिन। क्लियर? देखेंगे यहाँ पे ये रिया क्या है, सिंगुलर है, ये आपका सिंगुलर वर्ब थी, लेकिन यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है। तो फिर ये डू क्यों आया? भाई यही तो ये मेन वर्ब का काम कर रही ना, इसकी मेन वर्ब यही हुई ना, क्योंकि यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई है, यहाँ पे वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगाई है। क्यों लगाई है? यहाँ पे सिंगुलर था तो सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर, सब्जेक्ट के साथ वर्ब भी सिंगुलर ही लगती है। क्लियर? आगे देखते हैं। फिर इसका वो क्या हो जाएगा भैया? इसका हेल्पिंग वो क्या हो जाएगा? इंट्रोगेटिव क्या हो जाएगा? तो इंट्रोगेटिव के लिए आपको कुछ नहीं करना है, ये जो डज दिखा है इसको सामने ले आना है। डज रिया डू हर वर्क एवरी डे, उसका काम हर दिन करती है क्या? वो हर दिन करती है क्या? क्लियर? आगे देखेंगे। यहां तक की कोई प्रॉब्लम? बार बार समझा रही हूँ, डू मेन वर्ब का भी काम करती है, हेल्पिंग वर्ब का भी काम करती है। जब ये हेल्पिंग वर्ब का काम करती है तो जो साइड वाली वर्ब है वो फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, चाहे वो डज के साथ लगी हो, चाहे वो डू के साथ लगी हो, चाहे वो डिड के साथ लगी हुई। क्लियर? यही समस्या आ रही है और कहीं नहीं आ रही। यहाँ तक ये क्लियर हो गया। अब हम इसको फिर से पढ़ेंगे। क्लियर? अब हम ये पढ़ने वाले, इसकी जगह सपोज आपके पास दूसरी वर्ब आ जाती है, सपोज इसकी जगह पे आपको दूसरी वर्ब आ जाती है, तो आप उसमें क्या करोगे? आपको उसमें देखना पड़ता है कि ये ऐसे क्यों आई, तो उसको समझेंगे। देखो यहाँ लिखा है दे रीड अ बुक डेली, वे एक पुस्तक डेली पढ़ते हैं। तो यहाँ तो प्लूरल है, तो रीड यहाँ पे आया तो कोई टेंशन नहीं, मैंने बता दिया है दे डू नॉट रीड अ बुक डेली, वो बुक नहीं पढ़ते हैं। लेकिन जब आपका ये दूसरी जगह आ जाता है तब क्या करोगे आप? एग्जाम्पल अपन लिख लेते हैं यहाँ पर, दे रीड अ बुक, यहाँ पे भी लिखा हो, आप सपोज इसको पहचानोगे कैसे? रीड पे आता है, दे रीड अ बुक, उन्होंने एक बुक पढ़ी। लेकिन अगर फिर यहाँ पे आ जाएगा दे रीड अ बुक हाँ यस्टरडे, तो आपको दोनों में ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पे तो आपको लिखा सिंगुलर फॉर्म है, क्यों? क्योंकि वो पढ़ता है। यहाँ डेली लिखा हो, एवरी डे लिखा, उससे कोई मैटर नहीं करेगा, आपको समझ में आ रहा है यहाँ पे रीड लिखा हुआ है। लेकिन जैसे यहाँ पे यस्टरडे आ गया तो यहाँ पे आप इसको प्रोनंसिएशन क्या करोगे? रेड, क्योंकि इंग्लिश से तो केवल स्पेलिंग से तो आप ये नहीं समझ पाओगे ना, तो दे यहाँ तो सीधे लिख दोगे आप दे डू नॉट रीड अ बुक, वे पुस्तक नहीं पढ़ते, वे पुस्तक नहीं पढ़ते। लेकिन अगर यस्टरडे लग गया है या फिर नहीं भी लगा है और आपको कुछ और दे दिया, मंडे पढ़ा कुछ हो गया, तो फिर आप क्या करोगे? तो आपको यहाँ इसका प्रोनंसिएशन तो आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि लिखा हुआ है, तब आपको क्या देखना है? इसको देखना है, तब आपको अपने मन से यहाँ पे दे डिड नॉट, अब इसकी फर्स्ट फॉर्म ले आएंगे, दे डिड नॉट रीड अ बुक, उसने कल पुस्तक नहीं पढ़ी। फिर इसका इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा? भाई यहाँ तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं, डू है तो डू दे रीड अ बुक, क्या उन्होंने एक बुक पढ़ी? क्लियर? इंट्रोगेटिव बना दो। लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे? डिड कर देंगे, डिड दे रीड अ बुक, डिड दे रीड अ बुक यस्टरडे, क्या उन्होंने पुस्तक पढ़ी? क्लियर? ये रीड में ज्यादा प्रॉब्लम आती है, डू में ज्यादा
ज्यादा प्रॉब्लम आती है और कट शट कुछ कुछ स्पेलिंग ऐसी होती है, कुछ वर्ब ऐसी है जिसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, तो उसको मैं आपको बता देती हूँ। देखो काय का में ज्यादा कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैं उसको इसलिए इसकी प्रैक्टिस के साथ में ही आप सीखोगे तभी आपको बहुत अच्छे से एग्जाम के टाइम पे, आपके पास बहुत टाइम नहीं है और आपको पास भी होना है, पूरे 10 में से 10 क्वेश्चन करना भी है, तो आपको बहुत ज़्यादा ये पूरा डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं। अगर आप इस तरह से प्रैक्टिस भी करते रहोगे तो आपको बन जाएगा, है ना। आगे देखते हैं, जैसे ये हो गया शट। शट मीन्स होता है बंद करना, इसकी तीनों फॉर्म एक जैसी होती है तब भी इसको कंफ्यूजन होता है, तो जब सेकेंड फॉर्म होगी एक जैसी तो आपको याद रखना पड़ेगा, या तो उसमें यस्टरडे लिखा होगा या लास्ट डे लिखा होगा या कोई टाइम दिया होगा पहले से, है ना। और यदि ही शी के साथ, सपोज ये क्वेश्चन आपके पास ऐसा आता, ही शट्स द डोर, वह डोर बंद करता है, तो आपको पहचान जाना है कि ये तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, लेकिन यहाँ पे लिख दिया ही शट द डोर, यहाँ पे लिख दिया कि ही शट द डोर, तो आपको बिल्कुल आंख बंद करके भरोसा कर लेना है कि ये तो पास्ट का ही सेंटेंस है, पास्ट का ही टेंस है, क्योंकि यहाँ पे एस लग के ही इसकी पहचान है कि अगर ये प्रेजेंट का है तो ये एस तो लेता ही लेता, लेकिन यहाँ नहीं लगा, इट मीन्स वो पास्ट का है, ये पास्ट का हो जाएगा और ये सिंगुलर सिंपल प्रेजेंट का हो जाएगा। तब आपको यहाँ कैसा करना पड़ेगा, ही डज नॉट शट द डोर, वह दरवाजा बंद नहीं करता। देखो यहाँ पे एस हटा दिया, लेकिन अगर यहाँ पे एस नहीं है तो आपको बिल्कुल समझ जाना है कि ये सेकेंड फॉर्म है और ये पास्ट का सेंटेंस है, तो फिर नेगेटिव कैसे करेंगे, He did not shut the door. देखो क्लियर, यहाँ पे समझ में आ गया, ये एस लगा था तो, और यहाँ पे did not लग, क्योंकि यहाँ पे लगा नहीं है, लेकिन अगर I के साथ लग जाता या प्लूरल के साथ होता तब तो बिल्कुल भी कंफ्यूज रहेंगे। यहाँ देखेंगे, अब सपोज मैं इसको हिट ले लेती कुछ, I hit her, मैंने उसे मारा या मैंने उसे धक्का दिया, ठीक है ना, आई हिट हर, तो मैम फिर यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे भी तो लिखा आई हिट हर और यहाँ पे आई हिट हर, लेकिन यहाँ जुड़ गया यस्टरडे, तो आपको बिल्कुल डरना नहीं है, ये आपका प्रेजेंट टेंस का हो गया कि वो मैं मारती हूँ उसे, लेकिन यहाँ यस्टरडे लग गया है तो ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, तो फिर इसका नेगेटिव कैसे करेंगे, आई डू नॉट हिट हर, मैं उसे नहीं मारती, I do not, क्योंकि यहाँ पे ना तो S लगेगा और ना ही आगे पीछे कुछ ED लगेगा, तो आपको समझ जाना है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, तो यहाँ कैसे करोगे, मैम यहाँ तो yesterday लिखा है, तो मैंने बताया ना कि जैसी तीनों वर्ब फॉर्म एक जैसी होती तो वहाँ सबसे ज्यादा कठिनाई आती, वहाँ आपको याद रखना है कि भाई यहाँ पे yesterday लिखा है तो वो कल की बात हो, यहाँ पे नहीं लिखा मतलब रोज की बात हो रही है। आई डिड नॉट हिट हर, उसने उसे नहीं मारा यस्टरडे, उसने उसे कल धक्का नहीं दिया, क्लियर, यहाँ पे डिड नॉट लगेगा और यहाँ पे डू नॉट लगेगा। इस प्रकार से ज्यादा कंफ्यूजन रीड वाले में होता है, शट वाले में होता है, और फिर होता है रन रन रन, रन में भी होता है, रन 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 में होता है ना, और ज्यादातर सिंगुलर फॉर्म में गलती समझ में आती है, क्लियर। फिर आपकी हिट हिट होती है, फिर आपका कट, कट में भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, कट कट कट, ये भी तीनों फॉर्म और एक जैसी होती है, पुट पुट पुट, ये भी तीनों फॉर्म एक जैसी होती है, तो इसमें भी कंफ्यूजन होता है, तो जब सिंगुलर की बात होगी तो वहाँ पे एस और यस को याद रख लेना है, जब पास्ट की बात होगी तो वहाँ पे पक्का यस्टरडे या कुछ तो भी लिखा होगा, लास्ट डे लिखा होगा, प्रीवियस डे लिखा होगा, तब आपको समझना है कि ये पास्ट का सेंटेंसेस है ना, क्लियर। तो जब आपको टेंस की प्रैक्टिस करना है तो पूरे टेंस पढ़ने की जरूरत नहीं, एग्जाम बहुत पास में है तो भी इतना से पढ़ लो, क्योंकि ज़्यादातर इसी में से क्वेश्चन आते हैं, एक ये आता है टेंस का क्वेश्चन और एक आता है आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस, उसको भी एक दिन में पूरा वीडियो में कवर करने वाली हूँ। जब तक कि आप इसका देखिए और प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करिए, जितना ज़्यादा आप एक्सरसाइज करोगे उतनी ज़्यादा आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन होगी और आपके टेंस अच्छे मजबूत होने लगेंगे, क्लियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।